जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की रिपोर्ट के खुलासे के बाद कि सुशांत सिंह ने अपने आप ही अपनी जान ली थी, जिसके पीछे की वजह डिप्रेशन या नेपोटिज्म हो सकता है, लेकिन उसके पीछे किसी का हाथ नहीं था, ये बात साबित एम्स की रिपोर्ट करती नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में एक अलग ही चीज़ हमें ट्रेंड होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को रिहा करो ऐसी मांग उठ रही है। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि जहां पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इस खबर पर रिएक्ट किया था एम्स की रिपोर्ट पर, वहां पर स्वरा भास्कर ने रिया को लेकर ट्वीट किया, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है। बता दें दोस्तों, स्वरा भास्कर के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी रिया को लेकर ट्वीट किया। दोनों ने ही रिया चक्रवर्ती के समर्थन में पोस्ट लिखा। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती की रिहाई की मांग की है। इससे पहले भी रिया की रिहाई को लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स सामने आ चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस पोस्ट में लिखा है, हम सभी सुशांत के जाने से दुखी हैं, लेकिन एक महिला को इस तरह फंसाना भी उचित नहीं है। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती एक बेकसूर महिला है, उन्हें तुरंत ही रिहा करना चाहिए, वे राजनीतिक साजिश का शिकार बनाई जा रही हैं। कांग्रेस नेता के इसी पोस्ट को शेयर करते हुए सोरा ने रिया के समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया शेयर की, जहां पर ट्विटर पर हैशटैग रिलीज रिया चक्रवर्ती हैशटैग पर काफ़ी यूजर्स ने रिया के समर्थन में पोस्ट लिखे हैं। सीपी शर्मा नाम के यूजर्स ने एम्स की रिपोर्ट की खबरों के सामने आने के बाद लिखा कि सब कुछ अब साफ हो चुका है, तो अब रिया को जेल में बंद किया हुआ क्यों है। तो ऐसे में दोस्तों, रिया को जेल से बाहर कराने की मांग की जा रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती आखिर किस वजह से जेल के अंदर है बता दें। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मामले में नहीं, बल्कि ड्रग्स मामले में सामने आने को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने न्यायिक हिरासत में लिया है। रिया चक्रवर्ती के अलावा सैमुअल शोविक, जैद क्षितिज समेत कई आरोपी एनसीबी की हिरासत में हैं। तो ऐसे में उनको बाहर निकालने की शक्ति और पावर सिर्फ एनसीबी के पास है, कि अगर आरोप इनका सिद्ध है तो इनकी जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और आरोप अगर झूठा है तो इनको जेल के सलाखों से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती अभी जेल के अंदर ही रहेंगी, जब तक उन पर ड्रग्स कंट्रोल की टीम शिकंजा अपना ढीला नहीं करती। नेक्स्ट 9 लाइफ से दीपक की रिपोर्ट।